हाँ जी, मैं जय वकील फाउंडेशन एक बहुत ही 75 इयर्स इस साल सेलिब्रेट करेगा, जो मेंटली चैलेंज बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, वहाँ रखता है, उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, उनको लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, और बच्चे एक साल से लेकर 60-65 इयर्स तक के मेंटली चैलेंज वहाँ पर हैं। सो आई एम वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे आज बुलाया यहाँ पर, क्योंकि मैं 11 साल से उनके साथ हूँ एंड दे डू वंडरफुल वर्क विदाउट आस्किंग फॉर मनी, और मतलब इट्स नॉन प्रॉफिट एंड दे आर जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ द गुडनेस एंड काइंडनेस एंड द लव फॉर द चिल्ड्रेन। देखो, मेरा जब मेरे बच्चे पैदा हुए, आई थिंक तभी मेरी आंखें खुली, क्योंकि तब तक हम ना हम अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सेल्फिश लाइफ हम सब जीते हैं कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। बट व्हेन यू गेट किड्स, आई थिंक आपका नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाता है, आपको लगता है कि आपके बच्चे हैं, जिनके बच्चे मेंटली चैलेंज्ड है, वो पेरेंट्स, यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद देम कि वो पेरेंट्स कैसे इनकी परवरिश कर रहे हैं, उनको कितना उनको, और हमारी सोसाइटी में इन बच्चों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। आप कहीं नहीं देखेंगे मॉल में, रेस्टोरेंट में या मूवी थिएटर में, गार्डन में मेंटली चैलेंज लोग, हम उनको छुपा के रख देते हैं। तो आई थिंक ये नज़रिया वी नीड टू चेंज। नहीं, ऑटिज्म को सीधा बोलते हैं पागल बच्चा है या मेंटली, दे आर नॉट लाइक दैट, दे हैव अ चैलेंज एंड देर आर वेज टू डील विथ इट, एंड आई थिंक दैट इफ यू इंक्लूड देम इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी, इट विल डेफिनेटली नॉट ओनली हेल्प देम, इट विल हेल्प देयर फैमिलीज, इट विल हेल्प देयर मदर्स, फादर्स, सबको चाहिए कि हमारा बच्चा इंक्लूड हो। हाँ, नहीं, आई थिंक वो पेरेंट्स नहीं देखते हैं, जो बाकी हम सबको अपने बच्चों को सिखाना है कि ये पागल बच्चे नहीं हैं, इनसे हाउ डू यू डील विद देम, देर आर वेज ऑफ इंक्लूडिंग देम। आई थिंक एवरी पेरेंट नीड्स टू टीच देयर चाइल्ड, देन ओनली दीज पीपल विल बी इंक्लूडेड। तो आई थिंक पहले हम शहर से शुरू करते हैं, आई थिंक अवेयरनेस जितना बढ़ेगी देन ओके, थैंक यू। बॉलीवुड की चटपटी और मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल बॉलीवुड लाइव को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।